साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में अब भाजपा और कांग्रेस के अनेकों कार्यकर्ताओं ने चुनाव के टिकट पाने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ऐसे में विनय उपाध्याय दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस की ओर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे बात की हमारे विशेष संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कई पार्टियों के नेता अपने टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं विनय उपाध्याय जी, जो कि दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं विनय उपाध्याय जी से और जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं और उनकी वर्तमान पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी में क्या रही है। विनय जी। जी नमस्कार। नमस्कार विनय जी, आपका एमपी न्यूज में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी विनय जी, मेरे पिताजी रामाधार उपाध्याय जी रेलवे बोर्ड में 2013 में मेंबर रहे हैं मनमोहन सरकार में, और कांग्रेस पार्टी में प्रदेश सचिव भी रहे हैं। विभिन्न पदों पर रहते हुए जन्मजात कांग्रेसी हैं और हम भी कई वर्षों से पार्टी में सेवारत हैं। खेल के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक गलियारों के क्षेत्र में हो, कांग्रेस पार्टी में सेवड़ा क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और सेवड़ा विधानसभा क्रमांक 20 से दतिया जिले से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी के रूप में टिकट की मांग की है हमने माननीय कमलनाथ जी से। विनय जी, आपको क्या लगता है इस बार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, कितने सीटों पर पार्टी जीत हासिल करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ की पार्टी जो है वर्तमान में जो माहौल दिख रहा है पब्लिक का, काफ़ी अच्छा माहौल है, और जो वर्तमान भाजपा सरकार है उससे जनता त्रस्त हो चुकी है, रुष्ट हो चुकी है। मुझे लगता है 150 से 160 के करीब कांग्रेस पार्टी की सीटें मध्य प्रदेश में आने वाली हैं और सरकार जो है पूर्ण बहुमत में बनने वाली है। क्या आपको लगता है पार्टी आपको इस बार टिकट देगी? ये पार्टी का निर्णय है, हाईकमान तय करता है। मेरा काम जो है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी में काम कर रहा हूँ। मेरा पार्टी में टिकट मांगने का पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है, उस वजह से मैं पार्टी को टिकट मांग रहा हूँ सेवड़ा विधानसभा क्रमांक 20 से। अब ये निर्णय तो हाईकमान को करना है कि टिकट किसको देना है, और मैं पार्टी का सिपाही के नाते टिकट मांग रहा हूँ। जो भी पार्टी निर्णय देगी उसका मैं सम्मान करूँगा। हमारे साथ थे विनय उपाध्याय जी, जो कि दतिया विधानसभा के सेवड़ा जिले से कांग्रेस पार्टी से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आशुतोष मिश्रा, एमपी न्यूज़, दतिया।